हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास मैथ्स की लेटेस्ट एडिशन की आरडी शर्मा की बुक है ना, उसमें जो चैप्टर नंबर 1 है आपके पास रैशनल नंबर्स, तो उसमें मैं आप लोगों को आज एग्जांपल नंबर 3 यहाँ पर कराने वाली हूँ। एग्जांपल 3, 4, 5 आज हम तीन एग्जाम्पल्स करेंगे और ये आपके पास पेज नंबर 1.16 पे है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर आपको आरडी शर्मा के सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, सब चीज़ आपको मिलेगी। तो कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज चैनल पर अपलोड हो चुकी है, तो आज की क्लास में इन तीन एग्जांपल्स के बारे में चलिए शुरू करते हैं। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है एग्जांपल 3 में सब्ट्रैक्ट करना है। तो इससे पहले जो दो एग्जांपल थे उसमें हमने रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया था, है ना। तो कैसे करेंगे, फ्रॉम के बाद वाला नंबर हमने पहले लिखा माइनस का साइन और ये वाला माइनस का नंबर एज इट इज़ लिख दिया। तो 9/10 माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया 3/5। अब ये प्लस नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि उनका बेस सेम नहीं है। तो मैंने बेस सेम करने के लिए यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। 9/10 प्लस 3×2=6/10। अब तो बेस सेम हो गया, अब ये इजिली सॉल्व हो जाएंगे। 9+6 यहाँ आ जाएगा तो आंसर आ गया 15/10। लेकिन ये दोनों नंबर्स एक टेबल में आते हैं 5 की में, तो आप हमेशा लोएस्ट टर्म में ही आंसर को छोड़ के आना, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/2। 5 के टेबल से इन्हें कट कर दिया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में आपसे कह रहा है एग्जांपल 4 में, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -3/5 इफ वन ऑफ द नंबर इज -9/20 फाइंड द अदर। कह रहा अगर आप दो रैशनल नंबर्स को प्लस करते हो तो आपका आंसर ये आएगा -3/5, पर उन दो रैशनल नंबर्स में से हमें सिर्फ एक ही रैशनल नंबर दे रखा है, एक नहीं दे रखा। तो वो जो नहीं दे रखा ना वो हमें निकालना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट अदर नंबर भी एक्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा था कि अगर आप इस वाले नंबर को और जो दूसरा नंबर है जिसको आपने एक्स माना है उसको दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर -3/5 आएगा, है ना। अब सॉल्व करते हैं, तो माइनस, अब आप यहाँ देखो एक्स यहाँ पर प्लस का है, ये माइनस का है, तो आप क्या करो एक्स को तो यहीं छोड़ दो, -3/5। अब ये यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -9/20, ठीक है ना। -3/5 माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया 9/20। अगेन आप ऐड तो कर नहीं सकते क्योंकि इनके बेस सेम नहीं है, तो यहाँ पर मैंने 4 से इंटू कर लिया दोनों में, ये हो गया 9/20। तो -12/20 प्लस 9/20, अब बेस सेम हो गए, अब हम ऐड कर सकते हैं। तो -12 है और प्लस का 9 है, जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 3 आएगा, -3/20 आपका आंसर। आपको अदर नंबर बताना था जिसको आपने एक्स माना था, तो अदर नंबर निकल गया -3/20, और ये दोनों एक टेबल में आते नहीं हैं तो कट होंगे नहीं, तो यही आपका आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 5, इस पेज का लास्ट एग्जांपल है ये। कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/8 सो एज टू गेट 5/9। इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 5/9 आ जाए, तो अगेन लेट करते हैं, लेट एक्स शुड बी एडेड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें मैंने एक्स को ऐड कर दिया तो मेरा आंसर 5/9 आ जाएगा, तो मतलब अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, एक्स आ गया 5/9 प्लस 5/8, क्लियर है। बेस सेम करना है। अब 9 और 8 की टेबल में अगर हम कोई कॉमन नंबर देखें तो वो 72 होता है ना, वो 8 पे आता है 9 की टेबल में, तो 8 से इंटू कर दिया, और 8 की टेबल में 9 पे आता है तो 9 से इंटू कर दिया, तो ये हो गया 40/72। यहाँ पर हो गया 45/72, क्लियर। तो ये आ गया 40 प्लस का 45/72, आपका आंसर आ गया 85/72। अब ये किसी और टेबल में तो आते नहीं है, दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो आप इसे यहीं छोड़ दो, यही आपका आंसर है। कह रहा था व्हाट नंबर, अब आप यहाँ नीचे लिख सकते हो
जो नंबर आपको चाहिए वो कितना है, 85 अपॉन में 72। क्लियर? तो इस पेज के आज के सारे एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेज के एग्जांपल्स करेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे। कहीं डाउट लगे इन तीन में तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।